सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ मिलन। आप सबको स्वागत है मेरा चैनल में। आज हम बात करेंगे DIB बैंक अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में, जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं और बाकी सब बैंक से नहीं मिलते, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आप देख सकते हैं DIB.AE में वेबसाइट पे हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं और कौन सा अकाउंट आपके लिए सही है वो भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो है आप DIB का एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे DIB अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में, जो कि है आपको सब कुछ मिलेगा जो बाकी सब बैंक्स ऑफर करते हैं, जैसे कि सैलरी ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र इंटरनेशनल, महीना में एक बार फ्री फंड्स ट्रांसफ़र, और UAE में किसी भी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करोगे तो वन दिरहम चार्ज लगेगा। बस अगर आप कोई एक्सचेंज से किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 21 दिरहम लगेगा, राइट। तो इसमें भी आपका फ़ायदा है, लेकिन ये सब फ़ायदा तो बाकी सब बैंक भी देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो असली फ़ायदा है, जो है वो लो सैलरी में आपको लोन जो है मिल जाता है। और मिनिमम सैलरी आपका 3000 है तो आप लोन ले सकते हैं अप टू 60,000। ओके, आपका सैलरी का 20 टाइम्स लोन देता है DIB या कोई भी बैंक को। अगर आपका सैलरी 4000 है तो 80,000 मिल जाएगा, 5000 है तो 1 लाख तक मिल जाएगा मैक्सिमम लोन। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे 2500 में लोन मिलेगा क्या, आंसर है नो। आपका मिनिमम सैलरी जो है 3000 होना चाहिए। बाकी कोई भी बैंक्स नहीं देते ऐसे 3000 सैलरी में लोन। जैसे कि पहले 2-4 साल पहले रैक बैंक देता था, अभी नहीं देता है। अभी 5000 है, किसी का 5000, किसी का 8000, किसी का 10000 है ना। तो DIB जो है आपको 3000 में लोन देता है। ये पहली बेनिफिट्स हो गया जो बाकी बैंक्स नहीं देते। और दूसरा बेनिफिट्स जो है सैलरी जो है आपको एडवांस में मिल जाता है, आपका 90% ऑफ द सैलरी। अगर आपका सैलरी जो है 3000 है तो 90% आपको एडवांस में मिल जाएगा। अगर आप एडवांस में लेना चाहते हैं तो ये भी बाकी बैंक्स नहीं देते आपको। ठीक है, आप सैलरी एडवांस जो है आप वेबसाइट से, नहीं तो DIB इस्लामिक बैंक का, दुबई इस्लामिक बैंक का एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो अकाउंट का नीचे जो है सैलरी एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप सैलरी एडवांस भी ले सकते हैं। और बाकी सब उतना खास नहीं है, फिर भी ये दो जो मेन चीज़ें हैं, जो एक जो है लोन 3000 सैलरी में आपको लोन मिलता है, दूसरा है सैलरी एडवांस, ये दो मेन चीज़ है। बाकी बैंक से ऑफर नहीं करते, कोई कोई करता होगा सैलरी एडवांस, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है DIB बस मैंने देखा है, मुझे पता है इसके बारे में। ठीक है, तो आप इसको अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो लोन मोर में क्लिक करके। ये सब जब भी जो भी लोन मोर लिखा होगा ना, ये 3000 से ऊपर वाला सैलरी के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इस्लामी ई सेविंग अकाउंट, ये जो है आप कोई भी आपका सैलरी हो, कितना भी सैलरी हो, आप इसमें ओपन कर सकते हो अकाउंट। आपका मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट का कोई भी ज़रूरी नहीं है इसमें। आप अप्लाई नाउ में क्लिक करके अपना पासपोर्ट एंड इमिग्रेंट ID स्कैन करना होगा, उसके बाद में आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप DIB का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, नहीं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करके भी अपना अकाउंट जो है खोल सकते हैं। और उसमें आपको न्यू टू DIB में क्लिक करना होगा, उसके बाद फ़ोन नंबर ईमेल डाल के OTP कोड जनरेट करके फिर आपका इमिग्रेंट ID स्कैन करना होगा, उसके बाद में पासपोर्ट, उसके बाद में सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका सैलरी कितना है, कंपनी का नाम क्या है, सब कुछ डिटेल्स फिल करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। और आपका लोन के लिए क्या प्रोसेस है बोलेंगे तो आपका कंपनी जो है लिस्टेड होना चाहिए। आपका मालूम नहीं है कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है, तो आप HR से पूछ सकते हैं, नहीं तो
आपका जो बड़ा कंपनी है तो ऑलरेडी लिस्टेड होगा, आपका मल्टीनेशनल कंपनी है तो ऑलरेडी लिस्टेड होगा, नहीं तो आप किसी भी DIB का ब्रांच में जाके विजिट करके भी ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।